हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके इन छह अंगों में अगर आपको दर्द होता है तो इससे आप जान सकते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। दोस्तों, अक्सर घर में लड़का होने पर ही आपकी इन बॉडी के शरीर के इन छह अंगों में दर्द देखने को मिलता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ भी ये सब हुआ था, इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ और बहुत तक ये सच भी साबित होता है। तो हम बात कर लेते हैं वो छः अंग के बारे में। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको उसमें दुखता है, उसमें आपको दर्द रहता है, इसका मतलब आप एक लड़के की माँ बनने वाले हैं। सबसे पहला है प्रेगनेंसी के दौरान आपकी थाइस में दर्द। दोस्तों, आपकी जांघों में अगर प्रेगनेंसी के दौरान दर्द देखने को आपको मिलता है, इसका मतलब आपका होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर लड़का पेट में होता है तो पेट के निचले हिस्से में ज़्यादातर वो रहता है, मूवमेंट करता है। लड़का पेट के निचले हिस्से में रहता है, उसकी वजह से आपकी पेट का जो प्रेशर वो आपके पैरों में पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जांघों में आपको अक्सर दर्द देखने को मिलता है। अगर आपकी थाइस में आपको पेन देखने को मिलता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। दूसरा है वो है आपके पेट में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, यानी कि आपकी नाभि के नीचे में अगर आपको हल्का हल्का दर्द रहता है, इसका मतलब आपको जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। तीसरा जो अंग है वो है आपकी पेट की राइट साइड में दर्द। लड़का होने पर आपके पेट की राइट साइड में आपको दर्द देखने को मिलता है, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो पेट के निचले हिस्से में रहते हैं, इसकी वजह से मूवमेंट करते रहते हैं पेट के निचले हिस्से में, जिसकी वजह से आपको पेट की राइट साइड में और पेट की लेफ्ट साइड में दर्द देखने को मिलता है। यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको पेट की लेफ्ट साइड में भी दर्द होता है और पेट की राइट साइड में भी दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। अभी हम बात कर लेते हैं अगला जो अंग है वो है आपके सर में दर्द। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। लड़का होने पर आपके सर में अक्सर आपको हल्का हल्का दर्द देखने को मिलता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। अभी हम बात करते हैं आखिरी अंग के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि आपने लड़के को कंसीव किया है तो आपकी कमर में आपको अक्सर दर्द देखने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि कमर में दर्द होता है तो आपको लड़की होती है। नहीं, ये टोटली मिथ है। लड़का होने पर ही आपकी कमर में दर्द आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इन छः अंगों में अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको दर्द देखने को मिलता है, इसका मतलब आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे अपना जो कमेंट है वो ज़रूर बताइएगा। आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।